देखना पकड़ तो हमें देखना। हाँ जल्द देखोगी, ये देखो इस जेब में मैंने सिक्के डाले हैं ये। देख आराम से शांत लो जरा। क्या दिक्कत है? ये इसका वीक पॉइंट है, यहाँ प्रेशर पड़ते ही एकदम शांत हो जाती है। Hey, what's up everyone? Good morning. So guys, आज का व्लॉग होने वाला कुछ खास, क्योंकि आज है पापा का बर्थडे। पापा को ऑलरेडी बर्थडे विश कर दिया मैं जाके। ये सुबह सुबह टिंडे कौन बनाता है, ऊपर से बर्थडे वाले दिन। सो पता नहीं टिंडे देख के क्यों मुंह भी टिंडे जैसा हो जाता है। कभी नोटिस करना, जो सब्जी आपको पसंद नहीं होगी अगर आप सब्जी को देखते हो तो आपका भी मुंह भी ऐसी हो जाता है। एसी में डाल देना। ये माइक ऑलमोस्ट मिड चल रहा है। इस टाइम में मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली में इतनी गर्मी हुआ करती थी, लेकिन धूप है तेज, बट ये धूप ना जैसे पहाड़ों में होती है वैसी लग रही है, और गर्मी नहीं लग रही, हवा चल रही है अच्छी खासी ठंडी। तो ये फायदा हुआ है लॉकडाउन में। तो बेचारी तब से मेरा वेट कर रही। चलो भाई इसको भी रख देते हैं साइड में। मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये सामान इकट्ठा हो रहा है कहीं ऐसे ऊपर तक ना आ जाए। वैसे लॉकडाउन में सबसे अच्छा एक पेमेंट करने का तरीका है कि आप जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करो, चाहे शॉप वगैरह पे जा रहे हो, क्योंकि फ्यूचर तो भाई देखो डिजिटल पेमेंट का ही है। क्या कहती हो? अरे हुआ क्या, पता है विस्की गायब हो गई मेरे साथ पीछे पीछे था। ये सोडा शॉप तक आई क्योंकि यहाँ साइड में खड़ी थी, जैसे सोडा वोडा लिया देखो विस्की गायब। मैं उधर तो देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, बीच में रोड का खड़ा होकर विस्की गई कहाँ? बगल वाले शॉपकीपर ने मेरे को देख लिया तो बोलता भाई किसको ढूंढ रहे हो? मैंने कहा एक कुत्ता है जर्मन शेफर्ड। तो कहता वो हो रहा रोड की इस तरफ और थोड़ा दूर थी। मैंने कहा वो इधर आ मोटी चल ले थोड़ा। लॉकडाउन में देखो बेचारे कुत्तों का भी पेट निकल आया है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही बेचारे की, दूर जा नहीं पा रही कहीं, मोटी हो गई है लड़की हमारी। हमारी छोरी छोरों से कम है कि पेट में। हाँ हाँ साले बहुत पेलूंगी तेरे को, ज़्यादा बोल रहा है तू। खुद तो उठता नहीं सुबह और मुझे कह रहा है एक्सरसाइज नहीं करती, ऐसा मारूंगी पंजा जो बचा है वो भी हो जाएगा गंजा। जितना बचा है पूरा हो जाएगा गंजा। जादू दिखाऊं तुम्हें एक? ये देखो इस जेब में मैंने सिक्के डाले हैं ये। जादू अभी एक और रह गया। आया नहीं साला, कहाँ था वो चीज? अरे पता क्या हो, मैं सोडा दे रहा था जैसे पैसे के लिए जेब में हाथ डाला, सिक्के एकदम नीचे चले गए, वहाँ पे फंस गए सिक्के। अब मैं क्या कैसे निकालूं, मैंने कहा चलूंगा तो गिर जाएंगे और फिर और बेइज्जती होगी लोगों ने देख लिया। तो फिर मैं वहीं पे खड़ा रहा, शॉपकीपर अंदर गया वो सोडा लेने के लिए, फ्रिज में सोडा निकाल रहा। मैंने इधर देखा पीछे दो तीन बाइक पे खड़े थे लड़के, इधर भी थे लोग दुकान के आसपास। फिर मैंने देखा तो देखा मैंने कोई नहीं है, ऐसे मारा टक टडिंग खुफिया जेब। मैंने कहा कोई देखा तो नहीं मेरे को, इधर तो देखा कोई नहीं था। एकदम से उठाया भाई साहब ऊपर, ये लो आपके 60 रुपए निकलता हूँ। इसलिए कहते हैं कभी भी हाथ डाल के एक बार चेक जरूर कर लें कि उसमें आपने कहीं उंगली मार मार के छेद तो नहीं कर दिया। तो अभी मैं दीपक को बता रहा था कि यार जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया है, तो स्पेशली वो शीर्षासन, तब से मेरे जो बाल हैं वो झड़ना बंद हो गए हैं। कोई ग्रोथ नहीं है लेकिन जो एग्जिस्टिंग बाल है वो थोड़ा झड़ना कम हो गए हैं, पर जैसे ही मैं अभी नहाने के लिए बाल करी तो अब देखते हैं, अब रोज करेंगे ना शीर्षासन, मतलब कुछ उम्मीद है, मुझे लग नहीं रहा कुछ आएगा, बट जो भी है वो बच जाए तो बहुत है। अरे सुनो से उसको बहुत हुआ क्या, जैसे मैं नहाने गया और ऐसी बालों पर शैम्पू वैम्पू लगाया हाथ भरे भाई 3-4 बाल हाथ में, साले जैसी बोला वैसे झड़ने स्टार्ट हो गए। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, मतलब जो लोगों के बाल समझ रहे हो कि कम है और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो रिलेट कर सकते हैं। हरा भरा देश रेगिस्तान बनता जा रहा है, काले घने जंगल सूखे में बदल रहे हैं। देखना हाँ देख लिया, गलत जगह से खींच दिया। देखना खींचोगे? मैं खींचू? एक मिनट 28 के आसपास है। 28 है ना? 28। सो गाइस ऐसे ये लोग चोरी करते हैं जब गैस की डिलीवरी करने आते हैं, तो उस टाइम में मम्मी ने पिक किया था सिलेंडर तो ध्यान नहीं दिया कि कितना वेट होना चाहिए था, और अभी जाके जब पापा ने चेक किया तो वो 32-32.5 केजी होना चाहिए था और वो था 28 केजी। एक सिलेंडर से ये लोग अप्रोक्स 4 केजी की चोरी कर रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ, तेरे को लेके नहीं गया है? Thank you.
वाह तो दो व्लॉग्स की अपार सफलता के बाद जिसमें हमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए और हज़ारों में लाइक आए, इतना प्यार दिया लोगों ने, उसकी अपार सफलता के बाद ये तीसरा व्लॉग आया था। नहीं, नहीं, हाँ लोगों की डिमांड में फिर से केक बन रहा है, लेकिन ऐसे फालतू में नहीं बना रहे हम लोग, पापा का बर्थडे है और डाल दूँ तीनों का है इतना ठीक है, चार डेंजर तो नहीं इसको लेकिन सही लग रहा है, फूला हुआ खाने में टेस्टी लगेगा। ठीक है, काटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, बोले मैंने काटने की भी जरूरत नहीं है, कटा कटा बन गया होगा। एक लाइन में हमारे 5 पीस हो गए। तो गाइस अपना केक हो गया रेडी, इसको रख दिया रेफ्रिजरेटर में, शाम को जैसी बजेंगे 7 तो काटेंगे केक। और ये ऊपर आप डेकोरेशन देख रहे हो, जेम्स वाली नहीं, इसके ऊपर एक और देखोगे बहुत बारीक तरीके से कुछ बुरादा सा डाला हुआ। ये एक्चुअली चॉकलेट है, और ये इसको एक्चुअली मैंने किया कैसे, इस वाली मशीन से यहाँ पे रख के मैंने जैसे कीला रगड़ते हैं, खा लो उसको गोरी हो जाएगा, मुंह तो पहन लो, कड़वा हो रहा है तो डार्क चॉकलेट का ना, तुम ब्लॉक करो, मेरा ब्लॉग नहीं करना, अपना ब्लॉग करना है। हो गया आपका कुकिंग टेस्ट कंप्लीट, मैंने आपको केक बनाना सिखाया था। मैं तो सिखाया हूं ना, सिखाया हो वो मैं मजाक करता हूं ताकि ऐसे ब्लॉग में मसाला आए। इसलिए मैं जानबूझ के भूल जाता हूँ, ऐसे मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं भूल गया, मुझे आता नहीं है, नहीं कर ये देखो आज पता चला असली है, मैं काट दूंगा वाला सीन। ओहो ये मस्त लग रहा है, ये ऊपर जो सजा है ये मैंने सजा, पता है वाह कितने साल के हो गए, 55 यार, सीनियर सिटीजन आ गए, गवर्नमेंट के सारे लाभ मिलेंगे अब। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे मोमबत्ती तो कुछ लगाई नहीं, नहीं कोई मोमबत्ती की जरूरत नहीं, अरे नहीं साइड में तो लगाई है, अरे ठीक है, एक मोमबत्ती है इसमें, धूप चाहे धूप बोलो पहले तो मनाया नहीं, ऐसा कोई पहले था नहीं कि मनाने का बर्थडे रिवाज नहीं थी, तो अभी बच्चे ऐसे बड़े हो गए तो बच्चे बोलते हैं चलो पापा का भी बर्थडे मनाना चाहिए करके, तो आज हम बर्थडे मना रहे हैं, मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ, बच्चे बैठे हैं सब, ये मेरी है। दो कम है इसमें, तीन जो अभी सुंदर है वो बाहर है अभी कनाडा में है, वो है और कोपी है, शर्मा प्रेमा है, प्रेमा। अरे हाँ कोई नहीं, अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरा बर्थडे मन रहा है और मैं 65 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन और कोई बताता तो है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो मुझे जो अच्छा लग रहा है, तो जो भी अभी देखेगा इसको वीडियो को जो भी आप लोग भी हैप्पी बर्थडे मेरे को बोलना। ये केक काटा है मैंने, अब मैं छोटा छोटा टुकड़ा सबको खिलाऊंगा, तो जो ये वीडियो को देख रहे होंगे तो वो नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप देख करके सुनना कि हमने खा लिया है, और मेरे को आप शुभकामनाएं और बधाई देना। तो गाइस आज दीपा एंडिंग करेगी वीडियो की, तो आज द लाइक सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन वाला पार्ट है वो दीपा करेगी। लो ये स्क्रीन में नहीं देखना, इधर 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 देखना, ठीक है? शक्ल कैसी आ रही है? लॉकडाउन में ऐसी शक्ल आती है, इससे ज्यादा बेटर नहीं आ सकती। सो गाइस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और पता क्या बोलूं, कुछ अलग बोलोगी तुमने, मेरी 5 मिनट की वीडियो 10 मिनट की बना दी होगी, क्या बोलूं, मुझे कुछ मजेदार नहीं आ रहा, ऐसे नाच नाच के बोलो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, कब बोलो लाइक करिए जल्दी जल्दी जाना, नहीं लाइक किया तो मैं आपको इनके हाथ का बना हुआ केक खिलाऊंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, और शेयर भी कर देना जाते जाते, इतना भी कर दो फिर, जिसे जानते उसके साथ भी और जिसे नहीं जानते उसके साथ, फिर आपस में निपट लेना, चलो बाय।